हेलो एवरीवन, आज है 21 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे छोटे से बैंक के बारे में जिसका शेयर 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और कल उसके नतीजे आए हैं और 120 करोड़ रुपए का क्वार्टर वन में एक बहुत ही बड़ा मुनाफा इस बैंक ने कमाया हुआ है। तो वो बैंक कौन सा है, खरीदारी करने का मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। 11 रुपए 75 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 3% का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। कल नतीजे बहुत ही अच्छे थे, तो शुरुआती दौर में जब शेयर ओपन हुआ तब 12 रुपए 20 पैसे पर ओपन हुआ था। देखिए, 11 रुपए 40 पैसे का प्रीवियस क्लोज था, 12 रुपए 20 पैसे के ऊपर शेयर ओपन हुआ एक बहुत बड़े हाइस के साथ। लेकिन उसके बाद गिरावट आई, तेजी आई, और गिरावट आई मतलब ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने की बात करें तो 7% का ग्रोथ है। 10 रुपए 32 पैसे तक का लो बना था और आज पिछले 1 महीने का हाई इसने बनाया है। एक साल की बात करें तो एक साल में 20% का ग्रोथ है। अब देखिए, 6 रुपए 71 पैसे के ऊपर शेयर था पेंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान। उसके बाद इसने अपना गियर स्विच किया और सीधा शेयर 13 रुपए 18 पैसे पर चला गया। और ये वो दौर था जब इनके मार्च क्वार्टर के नतीजे आए थे, और मार्च में भी पहली बार मतलब काफी लंबे अरसे बाद इन्होंने एक मुनाफा बुक किया था। और उस प्रॉफिट के चलते, अच्छे रिजल्ट के चलते शेयर में बड़ी रैली आई जरूर थी, फिर बाद में थोड़ा सा ठंडा पड़ा। ये शेयर 10 रुपए के आसपास टहलता रहा और अभी एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में IOB के शेयर में 47% की गिरावट है। 27 रुपए के लेवल शेयर कंटिन्यूस टूटा है। बीच में अगर तेजी आई भी है तो वो शॉर्ट टर्म की तेजी थी, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में इंडियन ओवरसीज बैंक में 91% की गिरावट है। 175 रुपए तक का हाई ये बना चुका था और इस बीच में भी कई बार तेजी आई है, लेकिन हर बार उस तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। 6.5 रुपए का अब तक का सबसे बड़ा लो है जो इसी साल इस पेंडेमिक के दौरान इसने बनाया है। मिड कैप शेयर है ये, 19,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करो तो प्रमोटर के पास 95.84% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIs ने बिकवाली की है, 0.12% की होल्डिंग है। FIs के पास जो पहले 0.18% की होल्डिंग थी, म्यूचुअल फंड के पास एक थोड़ी सी 0.01% की छोटी सी होल्डिंग देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 0.08% की छोटी सी होल्डिंग देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक है ये और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 95.84% की होल्डिंग के साथ एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4 म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर पैसा लगा है और 27 FIs ने भी पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में आपको LIC देखने को मिल जाएगा 1.48% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.01% के आसपास देखने को मिली है। आखिरी बार डिविडेंड 2014 में इसने पे किया था, वो भी 50 पैसे का। उसके बाद कोई डिविडेंड पे भी नहीं किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी है, क्योंकि नतीजे आए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं, तो शॉर्ट टर्म की रैली आपको देखने को मिलेगी। अगेन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म की रैली आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये शेयर नीचे टूटता जाएगा, दबाव इसके ऊपर बढ़ता जाएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 88% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब टोटल 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो डरने की जरूरत नहीं है। और 9% लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, बेच कर निकल लो। नतीजे जो इसके आए हैं वो जून में बहुत 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 ही शानदार नतीजे हैं। देखिए, इससे पहले भी शेयर में तेजी आई थी जब 90 करोड़ का मुनाफा इसने कमाया था, और उसके चलते उसकी बदौलत, अच्छे नतीजे की बदौलत एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। शेयर आपको 13 रुपए तक भी पहुंचता हुआ देखने को मिलता। बाद में शेयर ठंडा पड़ा, 10 रुपए के आसपास टहल रहा था पिछले काफी वक्त से।
लेकिन अब एकदम से स्पाइक देखने को मिली है क्योंकि दोबारा नतीजे आए हैं जून क्वार्टर के और इस बार 120 करोड़ का मुनाफा कमाया है। देखिए ये दोनों ही क्वार्टर में अच्छे प्रॉफिट काफी ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर्स को अगर हम देखें तो बैंक में बड़े लॉस हमें देखने को मिले थे। दिसंबर 2019 में 6,075 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक बैंक ने बुक किया था। सितंबर 2019 में 2,250 करोड़ का लॉस, जून 2019 में 340 करोड़ रुपए का लॉस। तो काफी बड़े लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और इसी की वजह से शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही थी। काफी ज्यादा प्रेशर में भी था ये शेयर, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर की अच्छी खासे नतीजे ने इस शेयर को वापस लाइमलाइट में रख दिया है। पहली चीज, सरकारी बैंक है तो डूबेगी नहीं, ठीक है, डूबेगी नहीं ये बैंक। ज्यादा से ज्यादा इसका क्या हो सकता है, मर्जर होगा या फिर प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाएगा। और जिस तरीके की कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये इंडिकेट भी करती है कि सरकार अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि किन किन कंपनियों को या किन किन बैंकों को सरकार अपने अंडर में रखेगी और किन कंपनियों को सरकार प्राइवेट प्लेयर के हाथों में दे देगी। तो उसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार हो भी रही है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक का क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी होगा मेरे हिसाब से दोनों ही सूरतों में फायदा है क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर को जाता है तो भी फायदा होगा और अगर सरकार अपने अंडर में रखेगी किसी बड़ी बैंक के साथ मर्जर भी होता है तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी का फायदा देखने को मिलता है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। 94.56% की होल्डिंग आज 95.84% की देखने को मिली है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईज अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूअसली गिरा रहे हैं। 0.21% की होल्डिंग 0.12% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं था आज, एटलीस्ट 0.01% की छोटी होल्डिंग जरूर है। इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 0.08% की छोटी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक की मैं बात करूं तो देखिए उतना खासा मैं इस बैंक को पसंद नहीं करता हूं। अगर मुझे सरकारी बैंक में किसी को चुनना पड़े तो जरूर मैं सिर्फ और सिर्फ एसबीआई बैंक को चूज करूंगा क्योंकि मैं मुझे वहां पर अपना पैसा ज्यादा सेफ लगता है और काफी सस्ते प्राइस पर ये शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर अभी अवेलेबल भी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में मैं ये कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो। शॉर्ट टर्म में शेयर आपको 12 साढ़े 12 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि 13 रुपए तक भी पहुंच जाए लेकिन वहां से वापस ये शेयर टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस बैंक को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ये शॉर्ट टर्म का ही गेम होगा और रिस्क भी काफी ज्यादा होगा। तो रिटेल निवेशकों को भी मैं यहाँ पर बाइंग की एडवाइस नहीं देता हूँ। रिटेल निवेशकों को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगाए, ना कि इंडियन ओवरसीज बैंक में। शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं वो जरूर यहाँ पर दाव लगा सकते हैं और नेक्स्ट टारगेट 12 साढ़े 12 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अगर अच्छा चल गया तो वापस से 13 रुपए तक भी शेयर जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक वापस गिरावट की शुरुआत होगी और शेयर वापस आपको 10 12 रुपए तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो उस चीज को भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। हाईली रिस्की शेयर है ये। अच्छा बैंक ने अच्छे नतीजे पोस्ट जरूर किए हैं, अनडाउटेडली अच्छे नतीजे हैं ये, लेकिन अभी पेंडेमिक की वजह से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है कि बैंकिंग शेयर को कितना झटका पहुंचा है, क्या क्या नुकसान हुआ है, तो वो तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जरूर एक तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक बहुत ही मिनिमम तेजी होगी। अगर नतीजे कल ही इतने अच्छे आए थे लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई उतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है, तो मैं यही कहूंगा कि कोई खासा एक्साइटमेंट नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफी बड़े प्राइस पर पहुंच चुका है और अपने एक साल का सबसे बड़ा हाई इसने बना दिया था 13 रुपए का। तो मैं यही कहूंगा कि और ऊपर जाने का मुझे तो बहुत ही कम चांस लगता है, लेकिन जाएगा तो 12.5 रुपए के आसपास जाएगा, लेकिन बाद में फिर से शेयर आपको थोड़ा सा टूटता हुआ देखने को मिल जाएगा ये। लेकिन हाँ, तेजी की शुरुआत तब होगी जब सरकार की तरफ से लिस्ट आ जाएगी, प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी कि इंडियन ओवरसीज बैंक को सरकार ने किस कैटेगरी में डाला है, सरकार उसका मर्जर करेगी या फिर सरकार उसको प्राइवेट प्लेयर में देगी। अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अगेन मैं कह रहा हूँ, उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट करना या कुछ भी कहना इंडियन ओवरसीज बैंक में वो काफी बड़ी जल्दबाजी होगी। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा बैंक है, धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रहा है, लेकिन फ्यूचर क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ से। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो एक रिस्क आप जरूर ले सकते हो लेकिन एक छोटी सी क्वांटिटी।
अगर आप चाहे तो 100 शेयर की खरीदारी का एक रिस्क अगर आप लेना चाहो छोटी सी क्वांटिटी का, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और लंबी दूरी का आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक चीजें साफ नहीं होती, तो एक छोटा सा क्वांटिटी में आपको यहाँ पर लगाने की सलाह दूंगा, लेकिन ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लगाना, ये सोचना कि मैं यहाँ पर 10,000 शेयर खरीद लूँ, 20,000 शेयर खरीद लूँ, वो एक बहुत ही बड़ी जल्दबाजी होगी, बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। आपके पास पैसा है, आप अच्छे शेयर खरीदे, ना कि हाईली रिस्की शेयर में अपना एक बहुत बड़ा निवेश जो है वो वहां पर करने का सोचे। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।